है वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो जैसा कि आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस होता है कृतवाच और पैसिव वॉइस होता है कर्मवाच। तो कृतवाच क्या होता है कि जिस सेंटेंस में कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच कहते हैं, और जिस सेंटेंस में कर्म प्रधान होता है उसे हम कर्मवाच अर्थात पैसिव वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि अगर इस सेंटेंस की संरचना है अर्थात जिसमें जो कार्य को कर्ता के अनुसार किया जा रहा है उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, और कर्म के अनुसार कार्य किया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस अर्थात जो एक्शन किया जा रहा है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस में इसके पांच नियम है, जैसे मैं बोर्ड पर क्रम से लिख रहा हूँ सेंटेंस को बनाते समय उन्हें वैसे ही हम यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा नियम है साइकेट टेंशन लगाते हैं अर्थात हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाते हैं। तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम है बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं, बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। और पांचवा नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। जैसा कि बोर्ड पर ये पांच नियम क्रम से लिखे हुए हैं, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बिल्कुल हमें वैसे ही यूज करने हैं क्रम से, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। जैसे कि एग्जांपल है राम हेल्प्ड मी, जो ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि जो एक्शन किया जा रहा है वो कर्ता के अनुसार किया जा रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा राम, राम है ये तो है हमारा सब्जेक्ट, हेल्प है वर्ब, और जो मी है ये है ऑब्जेक्ट। तो जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले नियम लिखा था असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला नियम क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हमारा मी, तो जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे तो इसका नॉमिनेटिव केस आता है और मी का नॉमिनेटिव केस हो जाता है आई। इसके बाद दूसरा नियम है हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाते हैं, जो सहायक क्रिया वो टेंस के अनुसार यूज होगी। तो यहाँ पर जो टेंस है हमारा राम हेल्प्ड मी, जो हेल्प्ड है ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है और थर्ड भी हेल्प्ड होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अगर दो फॉर्म हमारी एक जैसी हो, जैसे कि हेल्प है ऑबेड है, सेकंड भी वही है और थर्ड भी वही है, तो मैं अंतर क्या होता है कि अगर इनसे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उस कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती उससे पहले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो इसीलिए यहाँ पर राम हेल्प से पहले राम दिया हुआ, राम का सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है नहीं, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है सेकंड, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग कौन से टेंस में करते हैं हम, पास्ट और इंडेफिनिट में। और नियम क्या था, जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अनुसार लगाते हैं, तो टेंस कौन सा होगा एक्टिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉइस चेंज करते हैं तो साइड क्या लगाते हैं, वॉज या फिर वर्ब। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो राम तो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आई, तो यहाँ पर आई के लिए क्या है हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब, तो इन दोनों में से क्या आएगा वॉज। दो नियम हो गए, तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या है हेल्पर, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म में, दोनों में अभी अंतर बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो सेकंड फॉर्म होगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब आती है उससे पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पहले में दोनों की सेम है, लेकिन अंतर क्या था उसमें कि यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो थर्ड फॉर्म हो गई, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन से वर्ब में है सेकंड। तो तीन नियम क्लियर हो गए, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चौथा नियम है बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो क्या लगाया बाई प्रीपोजिशन, और पांचवा नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, सब्जेक्ट क्या है राम, ये अगर नाउन है और नाउन चेंज नहीं होता, अगर प्रोनाउन दिया हुआ होता है तो हम इसे चेंज कर देते। अगर मान के चलो अब तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का दिया हुआ है, अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव का हो जाता है
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई एम नॉट अ रीडिंग माई बुक, आई एम नॉट रीडिंग माई बुक। तो यहां पर हमारा नियम यही यूज करते हैं, ऐसे क्रम से पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है माई बुक, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, माई बुक। दूसरा नियम है साइड का टेंस चलाएंगे, हैविंग बारो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ तो साइड के आईटेंस की इज एम आर प्लस बीइंग एंड इज बीइंग एम बीइंग या फिर आर बीइंग। तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माई बुक, माई बुक का सिंगुलर, तो इसलिए क्या आएगा इज अ बीइंग। तो लेकिन अगर साइड का जोड़े में है और वहां पर अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में दिया हुआ है तो वहां पर हैविंग वर्ब का एक भाग पहले आएगा, दूसरा भाग लास्ट में जाएगा, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जो हैविंग वर्ब हो क्या बनेगी, इज नॉट अ बीइंग। दो नियम क्लियर हो गए। तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या है, रीड। चौथा नियम है बाई पोजिशन लगाते हैं, और पांचवा नियम है हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो हमारा सब्जेक्ट क्या आई, इसका नॉट ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, तो क्या बनेगा माय बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय मी। इसके बाद जो नियम आते हैं वो आते हैं कि कहां पर हम कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए पैरा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बेसिक वर्ड्स बनाते हैं, तो वहां पर हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव वर्ड्स बनाते समय साइड क्या लगाते हैं, ये जो एम आर। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें साइड क्या लगाते हैं, ये जो एम आर प्लस इनके साथ बीइंग जोड़ देते हैं, अर्थात इज बीइंग एम बीइंग या फिर आर बीइंग। तीसरा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में साइड क्या आती है, हैज है और इनके साथ जोड़ेगा बीइंग, हैज बीइंग और हैव बीइंग। लास्ट में आता है जो प्रेजेंट का लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो ये हमारे चार टेंस प्रेजेंट के हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए साइड का एज एम आर, कंटीन्यूअस दिया हुआ हो तो इज बीइंग एंडिंग या आर बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस बी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक एक्टिव का सेंटेंस हो गया। पैसिव वॉइस बनाते समय जैसे कि थोड़ी देर पहले अभी बोर्ड पर मैंने नियम नोट किए थे, तो मैं पहला नियम है हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या बन गया द बुक। इसके बाद साइक्लिक टेंस के अनुसार आएगी तो रीड्स में एस जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर। तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है करता है वो है द बुक, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लेस आता है इज। दो नियम होगा, तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म क्या है रीड, चौथा नियम बाय पोजीशन लगाते हैं, और लास्ट का नियम होता है हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय जब हम इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस होगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम, तो क्या बनेगा द बुक इज रीड बाय हिम। इसके बाद प्रेजेंट टेंस हो गए, इस पर आते हैं पास्ट, तो पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय साइकिल आएगी वॉज या वर्ब, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वॉज वर्ब प्लस बीइंग अर्थात वॉज बीइंग या फिर वर्ब बीइंग, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, अर्थात यहां पर आएगा नो चिन्ह।
इनमें भी पास्ट के तीन टेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की वॉज बनाएगी एक्टिव वर्ब, जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज बीइंग या वर बीइंग, पास्ट परफेक्ट में हैड बीइंग और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। एग्जांपल मोहन एट ए मैंगो, मोहन एट ए मैंगो। तो पहला नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए मैंगो सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद साइकिल टेंस के अनुसार आएगी, इट एट सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इसलिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉइस चेंज करते समय साइकिल आएगी वॉज या वर्ब, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा वॉज। तीसरा नियम में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी इट, इटन। चौथा नियम वाइस प्रोपोजिशनल सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में मोहन में कोई भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि हमारा नाउन दिया हुआ है, नाउन का कोई भी केस चेंज नहीं होता है। इसके बाद आते हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस में पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो साइक्लिया है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वो आती है विल सेल प्लस इनके साथ भी जोड़ते हैं विल बी और सेल बी। इसके बाद आएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस, इस टेंस की हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में साइकिल आती है विल सेल प्लस हैव बीन, और लास्ट में होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, तो इसलिए इनमें से जो टोटल 12 टेंस हैं, इनमें से हम 8 टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं और 4 टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो 4 टेंस कौन से होगा, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो बचे हुए हमारे 8 टेंस हैं हम उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल सी सब्जेक्ट बना दिया, साइकिल टेंस का सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया तो साइकिल आएगी विल और बी, तो यहां पर क्या गया विल बी। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सॉल्व। चौथा नियम वाइज पोजीशन लगाते हैं और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारा सी नॉमिनेटिव केस है, और जब इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस सी का क्या होता है हर। तो इसलिए क्या बनेगा पैसिव वॉइस इसका, इट विल बी सॉल्वड बाय हर। जैसे पहले बताया था कि जो भी एक्शन होता है अगर सब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है तो एक्टिव वॉइस कहलाता है, कृतवाच कहलाता है, और यदि एक्शन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है तो फिर वहां पर वो पैसिव वॉइस होता है। और जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है इट विल बी सॉल्वड बाय हर, जो सभी काम है हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो हमारे इट के अनुसार यूज की जा रही है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस हो गया। इसके बाद लास्ट में टेंस से संबंधित अगर कोई मॉडल एग्जुलरी वर्ब दी हुई हो और उसकी हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी हो तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय जो भी मॉडल दिया हुआ है उसी के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय भी जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर कोई भी मॉडल एग्जुलरी वर्ब दी हुई हो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये हमारा जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो ये पैसिव वॉइस हम इसकी बनाएंगे। सेम वही नियम है, पहला ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दिस बॉक्स, सब्जेक्ट बना दिया। दूसरे में साइक्लिक टेंस के अनुसार लगाते हैं, टेंस की साइक्लिक है नहीं मॉडल एग्जुलरी वर्ब की हुई है, तो जब भी हम मॉडल एग्जुलरी वर्ब की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा वो कैन बी, अगर जो भी मॉडल दिया हुआ उसी के साथ बी जोड़ देते हैं तो यहां पर क्या होगा कैन बी। तीसरा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे क्या हो जाएगा लिफ्टेड। चौथा नियम वाइस पोजीशन और सेम जैसा कि पहले अभी कराया था, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, तो क्या हो जाएगा दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। तो ये हमारे असर्टिव के नियम हो गए हैं। इसके बाद जो हमारे सेंटेंस आते हैं
वो आते हैं इंटरोगेटिव। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो और उस सेंटेंस की हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहला नियम, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें निम्नलिखित, यानी कि जो बोर्ड पर जो मैं एग्जाम सॉरी फॉर्मूला लिख रहा हूं वो आपको यूज करना है, तो सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो और सेंटेंस की शुरुआत एक्टिव वर्ब के सेंटेंस की शुरुआत किसी एक्टिव वर्ब से होती है तो जैसे कि हैड दे हेल्प फ्रॉम हिम, हैड दे हेल्प फ्रॉम हिम, तो जो हमारा सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और जो सेंटेंस की शुरुआत है वो किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से। जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं और दूसरे किसी क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं, तो यहाँ पर जो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किसी एक्टिव वर्ब से आरंभ होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार करेंगे, तो टेंस है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो साइक्लिक लगाते हैं हम हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग तो हैज बीन और हैव बीन दोनों है, लेकिन जो हमारे सेंटेंस में यूज करना है वो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, और सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो हमारे इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो इसका नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा, ही, तो ही के लिए क्या आएगा, हैज और बीन। हाँ, एक बात और बतानी है कि अगर कोई भी साइक्लिक जोड़े में दी हुई हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा जोड़ा बन रहा है हैज बीन का, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में यूज करना है तो एक भाग पहले आएगा दूसरा भाग लास्ट में जाएगा, दोनों के बीच में आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, जैसे कि पहले क्या आ गया है, जैसे बता दें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, लेकिन इंटरोगेटिव में जोड़ा दिया हुआ है तो बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, इनका ही, दूसरा भाग क्या बचा, बी, तो यहां पर क्या आ गया, हैज ही बी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर पहले ले लिया क्योंकि पहले क्यों आ गया है, तो साइक्लिक जोड़े में दी हुई इसीलिए सब्जेक्ट को बीच में पहले ले लिया है, तो यहाँ तक नियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दी हुई है, इसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे और लास्ट में क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हमारा नॉमिनेटिव केस देन, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देन, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या बनेगा, हैज ही बीन हेल्प्ड बाय देन। तो इसके बाद जो अलग नियम जो लिखे हुए हैं, जो याद बचा हुआ जो टॉपिक है इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।